बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी एनडीए के पक्ष में भागलपुर सीट से उम्मीदवार रोहित पांडे के चुनाव प्रचार के लिए भागलपुर पहुंचे। इस दौरान डिप्टी सीएम ने भागलपुर में अपने उम्मीदवार के लिए रोड शो किया और भागलपुर की जनता से रोहित पांडे के पक्ष में मतदान के लिए लोगों से अपील की। वहीं दूसरी ओर पीपैती के बाखरपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विकास कार्यों की गिनती गिनाते हुए एनडीए के उम्मीदवार ललन पासवान के पक्ष में वोट के लिए अपील की। बता दें, विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव 3 नवंबर को होना है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां सरकार बनाने को लेकर चुनावी सभा में अपनी ताकत झोंक रही हैं। और एक एक वोट खरवार समाज का गिनकर मेरे झोली में देने का काम किया था। और जब मैं ललन पासवान के लिए आपसे वोट मांगने आया हूँ, काफी देर हो गई है, आज मुझे और रोड शो भी करना है भागलपुर में। दिल्ली से हेलीकॉप्टर आने में देर हो गई, इसलिए मैं थोड़ा कि क्या बिहार के अंदर फर्क आया कि नहीं आया, 15 साल में कोई बदलाव आया कि नहीं आया। मैं जब यहाँ पर आया था 2005 चुनाव लड़ने, यहाँ बिजली नहीं थी, आप बताओ, और 16 घंटे बिजली है कि नहीं है। बिहार के अंदर 24 घंटा बिजली देंगे, 24 घंटा बिजली, कोई लोड शेडिंग नहीं, कोई किरासन तेल नहीं, कोई इन्वर्टर नहीं। और तो हमारी सरकार ने खेती के लिए बिजली देने का निर्णय लिया। अभी मुंगेर भागलपुर मिर्जा चौकी 124 किलोमीटर 3,600 करोड़ की लागत से टेंडर हो गया है और बहुत जल्द इसके निर्माण का काम भी जो है मुंगेर भागलपुर मिर्जा चौकी और चालू हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 माझी जिंदाबाद, 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 भारत भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद।